चलिए जी आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों को मेरा पहला नमस्कार, छोटों को आशीष प्यार। स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉग पर। सुबह के 9 बजे हैं, मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी कर रही हूँ और अभी यहाँ पर जागर लग रहा है। अभी दिखाऊँगी मैं आपको जागर सुबह का। कल रात तो लग गया था और अभी सुबह भी लग रहा है। उसके बाद पूजा होने वाली है, मैं दिखाऊँगी आपको। आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बार में बीती गंगा नदी धारा तनिष्क ये तो क्या देखा है ओ आई इंद्रिय देवी के काम धारा का जिया सब में मेरा हम को भगवान का सुर देता बाट लागी राया।
अब तुम्हें तो इंद्र कणी देताओ बंदी ले गए बाड़ोड़े विष्णु नाम भुतनी तब तोरी लाय सदा रे ताले तू लगा ना रगड़ में तू लगा भी लगा पूजा हार लगा जा रंजना आगे ने और रंजना आ जल्दी Yeah.
ओम नमो सवित्री जलते बालो भास्कर मातंत्र चद्म रक्षे दिवाकर आरोग्यम आयुर्विजय विद्या देई नमोस्तुते पद्मासन पद्म करो पद्म ओम सूर्य सहस्रार ओम तेजरा से जगत पते अनुकंपा मां ने पेटी के लिए खीर बन रही है और वहां वो खिचड़ी बन रही है। वहां पर आग जला रखा है। इस मंदिर में निर्मल का रहा है पूजा। खिचड़ी बनती है उस वाले मंदिर के लिए। वो खिचड़ी अलग से नीचे वाले चूल्हे में बन रही है ये, और यहाँ पर बन रही है खीर। ये सारा सामान यहाँ फैला रखा है। अभी करेंगे हम ओम श्री महामंगल मूर्ति गणेशाय नमः। पतिव्रता सुग्ने सुस्नाता शुक्लवासा कृतलता सुवासिनी कामको विसर्जनीय स्वस्ति वाचि ले टोपी पहन तो पहन लो। ओम स्वस्ति नमो मुनिता मसिना स्वस्ति भूखा सुरोधात स्वस्ति ध्यावा पृथ्वी सुचेतना स्वस्ति सोमम स्वस्ति भुवनस्य अस्वस्ति मुद्रास्पतिरुणाम स्वस्ति स्वस्ति पंथा मनुचरेण सूर्या चंद्रा मसाविव अब वो तो बीच आऊंगे भगवान जी का ये वाल कन्याकुमारी खा रहे हैं अभी। यहाँ पर उनकी पूजन हो रही है। पांव धो के उनको टीका पिठाई लगा रहे हैं। उसके बाद पूजा करके उनको भोग खिलाएंगे। पूरी बड़ा मुन्ना इतिया देख लिया यार।
खिदेड़ छ हम खानी दिया म जुलजुल मनि ग्वाड आज के ब्लॉग में बस इतना ही बनाते हैं क्योंकि आज बहुत थक चुके हैं और अभी एडिटिंग भी करनी है। मैंने इस ब्लॉग में आपको पहाड़ी रीति रिवाज सारा दिखा रखा है कि किस प्रकार गांव में जाकर लगता है और किस प्रकार जाल काटा जाता है, जाल काटने से आदमी जाल मुक्त हो जाता है और किस प्रकार से मंदिर में जाके फिर पूजा की जाती है और सारी विधि जो भी है मैंने सारा इसी में दिखा रखा है आप लोगों को। आप लोग देखना और पहाड़ी जाकर का आनंद लेना। और मैंने देवता नाचने का नहीं दिखाया है क्योंकि ठीक नहीं लगता है, देवता है, देवताओं का अपमान करना ठीक नहीं लगता है, इसलिए मैंने सिर्फ जागर का ही दिखाया है जो मुँह से बोला गया है और जो देवता नाच रहे हैं वो नहीं दिखाया है। और आप लोग जागर का एंजॉय करना। आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैंने अभी एडिटिंग भी करनी है, बहुत देर हो चुकी है। और आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।